हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू गणेश स्टडी कंसेप्ट। और मैं मानसुदा प्रवीण एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में, उसी श्रृंखला में आज जिस दुर्ग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह दुर्ग है जैसलमेर का किला या जैसलमेर दुर्ग। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, जैसलमेर दुर्ग से। जैसलमेर दुर्ग के संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति कही गई है, वह क्या है सुनिएगा ध्यान से। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। यह प्रसिद्ध उक्ति जैसलमेर दुर्ग के संदर्भ में कही गई है। तो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं जैसलमेर फोर्ट के बारे में पढ़ना। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके निर्माता और लोकेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसके उपनाम, फिर प्रमुख स्थल और फिर पढ़ेंगे दुर्ग का इतिहास। तो शुरुआत करते हैं कहां से, निर्माता से। देखिए, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, राव जैसल। राव जैसल ने इंसाल ऋषि की सलाह पर इस दुर्ग की नींव रखी। इंसाल ऋषि ने उनको सलाह दी कि बेटा एक दुर्ग बना लो, तो उन्होंने क्या किया, एक दुर्ग की नींव रखी। वह दुर्ग कौन सा है, जैसलमेर का दुर्ग। राव जैसल के नाम पर ही जैसलमेर का दुर्ग पड़ेगा। इंसाल ऋषि की सलाह पर इनके द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, किंतु क्या होता है, राव जैसल की मृत्यु हो जाती है और दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कौन करवाते हैं, दुर्ग का निर्माण कार्य इनके वंशज कौन करवाते हैं, सालीवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया है। कितने साल लगे हैं, 7 साल, 7 ईयर्स लगते हैं इसको कंप्लीट होने में, और फिर बनकर ये शानदार दुर्ग तैयार होता है जिसे विश्व विरासत संरक्षण सूची में स्थान दिया गया है। तो ये है आपके निर्माता कौन है, राव जैसल। कब बनाया है, शुरुआत की गई 12 जुलाई 1155 में, और किसकी सलाह पर, इंसाल ऋषि की सलाह पर। पूर्ण किसके समय होगा, सालीवाहन द्वितीय के समय। अब हम पढ़ेंगे इस दुर्ग की अवस्थिति के बारे में। देखिए, इस अवस्थिति या इसकी स्थिति या लोकेशन क्या है, तो हम पढ़ते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में। यह दुर्ग एक पहाड़ी है, इसका नाम है त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट जो है पहाड़ी, इस पर एक दुर्ग बना हुआ है, वह कौन सा है, जैसलमेर फोर्ट, या इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको उत्तर क्या लिखना है कि त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। और इसी पहाड़ी को एक नाम और दिया गया, गोरहरा पहाड़ी। तो इसे गोरहरा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण क्या नाम दिया गया है, गोरहरागढ़ भी नाम दिया गया है। कहाँ पर है भाई, जैसलमेर में, और जैसलमेर में क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल में स्थित होने के कारण किस श्रेणी में आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। वह दुर्ग जो मरुस्थल के मध्य स्थित हो उसी क्या नाम दिया गया है, धानवन दुर्ग। और धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, जैसलमेर दुर्ग आता है। तो जैसलमेर दुर्ग की श्रेणी कौन सी होगी, धानवन। किस पहाड़ी पर है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। अगर ऑप्शन में त्रिकूट नहीं है, गोरहरा है, तब गोरहरा लिख सकते हैं आप, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, त्रिकूट लिखेंगे। तो ये हो गई इसकी अवस्थिति, श्रेणी आपकी हो गई कौन सी, धानवन दुर्ग की। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसके उपनाम या अन्य नाम के बारे में। तो सबसे पहले इसे सोनार का किला या सोनारगढ़ कहा जाता है। एक फिल्म डायरेक्टर है सत्यजीत रे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सोनार का किला, तब से यह दुर्ग सोनारगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाने लग गया है। तो एक नाम तो आपके क्या हो गया, सोनारगढ़ या सोनार का किला। दूसरा, अभी हमने पढ़ा कौन सी पहाड़ी पर है, गोरहरा पहाड़ी पर, इसलिए नाम दिया गया गोरहरागढ़। और फिर इसी पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है, त्रिकूट। तो त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, त्रिकूटगढ़ भी हो गया। फिर उसके अलावा यदि आप पढ़ते हैं त्रिकूटगढ़ के अलावा, तो इसे कहा गया राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान क्यों कहा जाता है, ये अभी हमने पढ़ा कि यह दुर्ग किस श्रेणी में है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में है। और मरुस्थल ही मरुस्थल है, जब सूरज की किरणें मिट्टी पर पड़ती हैं
तो सोने सी आभा या स्वर्ण सी आभा दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे रेत के समंदर में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? राजस्थान का अंडमान। और क्या नाम दिया गया है? स्वर्णगिरी। सोने की जैसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है मरुस्थल के बीच में, इसलिए कहा गया स्वर्णगिरी। यदि सुवर्णगिरी लिखा होगा तब आपको उत्तर लिखना है जालोर का किला, और स्वर्णगिरी लिखा है तो क्या लिखना है? जैसलमेर का किला लिखना है। फिर कहते हैं इसे गलियों का दुर्ग, गलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। और गलियों का दुर्ग किसे कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी और नाम है या उपनाम है किस किले के? जैसलमेर दुर्ग के। देखिए पढ़ते हैं हम, राजस्थान का अंडमान हमने पढ़ लिया, अब एक नाम और है रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब कहकर किसे संबोधित किया जा रहा है? जैसलमेर के किले को किया जाता है। सोनगिरी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्वर्णगिरी सोनगिरी इस नाम से भी किसे जाना जाता है? जैसलमेर के किले को जाना जाता है। अबुल फजल ने लिखा है यहाँ पर पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। कहाँ पर? जैसलमेर के किले में पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, क्योंकि क्या था? मरुस्थल था, रेत के टीले हमारी भाषा में कहते हैं धोरे, उसमें पांव धस जाया करते थे, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो ये इतने सारे उपनाम किस दुर्ग के हैं? जैसलमेर दुर्ग के हैं। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, राजस्थान के अधिकतर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित हैं, लेकिन ये कैसा है? पीले पत्थरों से बना है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। पीत पाषाण से निर्मित दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। और अलसाए सिंह के समान जो है दुर्ग किसे कहा गया है? जैसलमेर दुर्ग को कहा गया है। अलसाए सिंह का किस लिए कहा गया? सोने जैसा दिखता है, इसलिए कहा गया। तो ये तो सारे क्या हो गए? उपनाम। अब हम पढ़ेंगे इस दुर्ग की विशेषता। देखिए फ्रेंड्स विशेषताएं, इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता नंबर एक, इसमें बहुत सारे बुर्ज हैं। सर्वाधिक बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक बुर्ज वाला दुर्ग को कौन सा माना जाता है? जैसलमेर दुर्ग माना जाता है। इसमें बुर्जों की संख्या है 99 बुर्ज जैसलमेर के किले में है, इसलिए जो है सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग भी कौन सा कहलाता है? जैसलमेर दुर्ग। यहाँ पर इस दुर्ग के निर्माण में चूने पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया, इसका प्रयोग किया जा रहा है जिप्सम का प्रयोग किया गया है। चूने पत्थर के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। देखिए जो पत्थर थे, इस तरह का पत्थर है, इसकी ये कटिंग कर देते थे इस तरीके से, फिर जो दूसरा पत्थर है उसकी कटिंग ऐसे करके इसके ऊपर रख करके, और इसको इन्होंने क्या कर दिया है? जिप्सम से जो है जोड़ दिया है। इसलिए इसके निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग किया जा रहा है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसकी जो छते हैं वो किसकी बनी हुई है? छते लकड़ी से निर्मित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे लकड़ी से बनी हुई है और तो दीमक लग जाना चाहिए, इतने साल पुराना है, 1155 का बना हुआ अभी तक तो कैसे रह सकता है? तो दोस्तों इस पर गौमूत्र का लेप किया गया था। किस पर? लकड़ी की जो छतें बनाई गई उस पर लेप कर दिया गया, किसका? गौमूत्र का। फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसका परकोटा कैसा है? इसका परकोटा है लहरदार। सभी दुर्ग के बाहर जैसे ये दुर्ग है, इसके चारों तरफ ऐसा परकोटा होता था, एक दीवार हुआ करती थी चारों तरफ। इस दुर्ग का परकोटा कैसा है? इस भांति बना हुआ है लहरदार, या फिर इसे आप कह सकते हैं घाघरा नुमा परकोटा। और इस घाघरा नुमा परकोटे को नाम दिया गया कमरकोट या कमरपाटा। क्या नाम दिया गया? कमरकोट, या फिर इसे क्या कहा जाता है? कमरपाटा। ये जैसलमेर दुर्ग की विशेषताएं हैं। एक बार फिर से देखिएगा, सबसे ज्यादा बुर्ज है, जिप्सम का प्रयोग है, चूने पत्थर का प्रयोग नहीं है, लकड़ी की छतें बनाई गई है जिस पर गौमूत्र का लेप किया गया, इसका परकोटा लहरदार या फिर कैसा है? घाघरा नुमा है, जिसे कमरकोट या कमरपाटा कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं दुर्ग में स्थित प्रमुख स्थलों के बारे में। देखिए इस दुर्ग में क्या क्या स्थित है, प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। ये इस तरह का आपको दिखाई देगा दुर्ग, कैसा है? इस तरीके से दिखाई दे रहा है,
अब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा क्या बने हुए हैं, बुर्ज बने हुए, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा बुर्ज बने हुए हैं। अभी आपको बताया कितने, 99, तो इस तरीके से जो है आपको सर्वाधिक बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा दिखाई देगा, जैसलमेर का किला। इस तरीके से ये जो है उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, बुर्ज कहलाते हैं। और इसके अंदर एक परकोटा और है, तो यानी इसके अंदर हम एक और परकोटा बना देते हैं इस तरीके से, तो ये आपके कैसा हो गया, एक तो परकोटा कैसा हो गया, दोहरा परकोटा है, और कैसा है, लहरदार दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इसका नाम क्या है, कमरकोट, या इसे क्या नाम दिया गया, कमरपाडा नाम दिया गया। बुर्ज है ये, बुर्ज की संख्या कितनी है, 99, बुर्ज हो गए आपके 99। ये यहाँ पर है आपका एंट्रेंस गेट, यहाँ से प्रवेश करते हैं तो दुर्ग का प्रमुख द्वार क्या है, अक्षय पोल। अब अक्षय पोल कहिए या अक्षत पोल कहिए, एक ही है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस दुर्ग के अंदर एंट्री करते हैं। अक्षय पोल या अक्षत पोल क्या है, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। अब इसके अलावा आपको सूरज पोल, गणेश पोल जो कि नॉर्मल होती है वो मिलेगी ही। यहाँ पर जो रास्ता है इस दुर्ग में प्रवेश करने का, वह रास्ता कैसा है, धनुषाकार दिखाई देता है। कैसा है, धनुषाकार आकृति का रास्ता दिखाई देगा। इस दुर्ग में देखने लायक क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर किसका है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर इस दुर्ग के अंदर स्थित है, जिसे जैसलमेर के भाटी राजवंश का क्या माना जाता है, कुल देवता। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण महारावल वैरीसाल के समय हुआ था। कौन सी शैली में बना है, प्रतिहार शैली में निर्मित है ये आपका। यहाँ के शासक स्वयं को राजा न मानकर इनका दीवान माना करते थे, मतलब किसका, लक्ष्मी नारायण जी का। यहाँ के शासक क्या कहलाते थे, महारावल। तो वो क्या कहते थे, हम महारावल नहीं है, हम तो क्या है भाई साहब, इनके दीवान है, इसके लक्ष्मी नारायण जी। ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में बलि दी जाती थी, बलि प्रथा थी, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात ही बंद कर दी गई। फिर इसके अलावा इस दुर्ग में एक और मंदिर है, इसका नाम है स्वांग्या माता का मंदिर। ये कौन सा मंदिर है फ्रेंड्स, स्वांग्या माता का मंदिर। स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कौन सी देवी है, कुल देवी। स्वांग्या माता का मंदिर इस दुर्ग के अंदर स्थित है। स्वांग्या माता को भी आवड़ माता भी कहा गया है। स्वांग्या माता भाटी राजवंश की कुल देवी है, और इनका प्रतीक चिन्ह मुड़ा हुआ भाला है। स्वांग का अर्थ ही भाला होता है, और स्वांग्या अर्थात मुड़ा हुआ भाला धारण किए हुए देवी कौन सी है, स्वांग्या माता। ये हमारे जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है, कुल देवी है। एक तो मंदिर हो गया स्वांग्या माता का, एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो गया। इसके अलावा एक मंदिर आपको और मिलता है, ये आपके जैन टेम्पल है, जैन मंदिर है। आदिनाथ जी जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे, उनका एक मंदिर है, उसका नाम क्या है, आदिनाथ जैन मंदिर। फिर यहाँ पर एक ऐसे 5 मंजिला बना हुआ है इमारत, जिसका नाम क्या है, बादल विलास। कई जगह इसको बादल महल भी लिखा गया है, बादल विलास या बादल महल। 5 मंजिला एक इमारत, जिसका निर्माण सिलावटों द्वारा किया गया, और सिलावटों ने इसे बनाकर किसे गिफ्ट कर दिया, महारावल वैरीसाल को गिफ्ट कर दिया। इसे ताज या टावर भी कहा जाता है, आप बादल विलास कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, ताज या टावर। फिर एक और महल है यहाँ पर बना हुआ, इस महल का नाम है जवाहर विलास। जवाहर सिंह जी का निवास स्थल था ये जवाहर विलास, की वही शासक हैं जिनके समय केरोसिन छिड़क कर सागरमल गोपा को मार डाला गया था। जवाहर विलास, बादल विलास हो गया, जवाहर विलास हो गया। फिर एक और महल बना है, इसका नाम है गज विलास। इसके अतिरिक्त रंग महल, मोती महल, सर्वोत्तम विलास, ये सब भी आपके कहाँ पर हैं, तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित हैं। फिर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर टाइप का ही बना हुआ है, जिसे क्या नाम दिया गया है, जिनभद्र सूरी जैन भंडार। यहाँ पर प्राचीनतम हस्तलिखित पांडुलिपियों का भंडार मिलता है, और कहते हैं कि इसी के अंदर बेसमेंट में या इसके तहखाने में भूमिगत लाइब्रेरी है, जिसे एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा जाता है। यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, जिसे क्या नाम दिया गया, जैसलू कुआं।
जैसलू कुएं के लिए एक पौराणिक मान्यता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। तो ये सारे दोस्तों प्रमुख स्थल हैं जो कि किस दुर्ग में स्थित हैं, जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित हैं। जैसलमेर का किला 250 साकों के लिए 250 साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग के 250 साके हम पढ़ेंगे कल। फिर से मिलते हैं दोस्तों इसी समय। सी यू, बाय टुमारो, टेक केयर, स्टे होम।